अस्सलाम वालेकुम, फोर्थ ईयर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड की थी, इसकी वजह से सेम प्रोसेस है, सिर्फ अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, आप लेट आपके पास एक पूरी चार्ज डिस्क है ऑफ रेडियस ये कैपिटल आर, और इसकी वजह से इसके सेंटर से जेड एक्सिस के साथ ऊपर आके एक पॉइंट पी है। ये सेंटर से ना स्ट्रेट ऊपर जेड एक्सिस के साथ आके ये पॉइंट पी है, लेकिन पेपर पे ज़ाहिर हम इसको इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पी जो है एट अ डिस्टेंस जेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ठीक है, अब हमने क्या प्रोसेस करना है कि हम इस पूरी डिस्क को स्मॉल रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे कि एक ज़ीरो रेडियस का रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, एंड रेडियस ऑफ द रिंग वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू कैपिटल आर। फिर एक रिंग के लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे एट पॉइंट पी, और फिर उसे इंटीग्रेट कर लेंगे ओवर द होल सरफेस ऑफ द डिस्क। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पूरी डिस्क के ऊपर इवनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पे हम एक रिंग ले लेते हैं। ये हमने एक रिंग ले लिया ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इसकी थिकनेस ऑफ द रिंग जो है ये डी आर है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ द रिंग है, रिंग के जो बाउंड्री है उससे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, उस डिस्टेंस को हम ए कह देते हैं। ठीक है, अब ए डिस्टेंस पे इस रिंग की वजह से पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसे हम कहेंगे डी वी 1/4πε0 डी क्यू ओवर ए। अब डी क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन द रिंग। चार्ज ऑन द रिंग कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ द रिंग फाइंड कर लें और उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज ऑन द रिंग आ जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ द रिंग जो है वो उसकी लेंथ इंटू विड्थ के बराबर है। लेंथ ऑफ द रिंग क्या है, इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, और विड्थ क्या है वो डी आर है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, थिकनेस ऑफ द रिंग डी आर ली हुई है, तो इस तरह जो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग है वो 2πr इंटू डी आर हो गया। तो इस तरह चार्ज ऑन द रिंग जो है वो 2πr डी आर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। इसकी ये वैल्यू हमने यहाँ पे डी क्यू की जगह पे पुट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ए है, तो यहाँ से देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल लग रही है जिसमें ए हाइपोटेन्यूज है, तो जेड स्केयर प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो ए फाइंड करना है तो हो जाएगा जेड स्केयर प्लस आर स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो यहाँ पे ए की भी ये वाली वैल्यू पुट कर दी। इस जेड स्केयर प्लस आर स्केयर स्केयर रूट को ऊपर ले आए तो ये -1/2 पावर बन जाएगी। इसमें से पाई हम पाई से कट कर लेंगे, बाकी ये सिग्मा जो है इसको इधर ले आए, सिग्मा ओवर 4ε0, और ये बाकी ये आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एट पॉइंट पी ड्यू टू द होल चार्ज डिस्क, उसे वी कह देंगे, इंटीग्रेट कर लिया उसे जीरो टू आर, क्योंकि हम इस जीरो रेडियस का रिंग लेंगे फिर बड़ा करते जाएंगे, और कितने बड़े रेडियस का लेंगे, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डिस्क कैपिटल आर। और इसको हमने इस तरह लिख लिया, इसके देखें ये इसका जो अंदर वाली का डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट करता है, तो हम सिंपली पावर में 1 प्लस करेंगे और नीचे भी -1/2 + 1, और लिमिट्स पुट कर लेंगे 0 टू आर। अब देखें ये हो गया जेड स्केयर प्लस आर स्केयर अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 1/2। अब इसमें लिमिट्स पुट की तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम एज्यूम कर लें कि जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी है फ्रॉम द डिस्क वो डिस्क के रेडियस से बहुत बड़ा है, यानी ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट पी, इसका जो डिस्टेंस है ये हमने बहुत दूर लिया हुआ है डिस्क से एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो फिर हम इसको इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। पहले हम जेड स्केयर कॉमन ले लेंगे, जेड स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे, जेड आ जाएगा बाहर, बाकी यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस आर स्केयर के साथ जेड स्केयर नहीं था इसलिए इसको जेड स्केयर से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसकी पावर 1/2 ये -1 -z। अब ये 1 + x^n है तो हम इसे 1 + nx लिख सकते हैं, n यहाँ पे पावर है 1/2, तो 1/2 इंटू आर स्केयर ओवर जेड स्केयर। इसे फिर खोल लें, जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया, ये प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएंगे, और सिग्मा ओवर 2ε0 आर स्केयर ओवर 2z आ गया। और इसे यूं भी लिख सकते हैं सिग्मा आर स्केयर ओवर 4ε0 इंटू जेड। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है
पोटेंशियल की वैसी फॉर्म बनाने के लिए हम इसे पाई से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। तो हम इसे लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओवर जेड। अब यहाँ से देखें, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पाई आर स्क्वायर है टोटल एरिया ऑफ द डिस्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क और डिवाइडेड बाई जेड है, जेड है डिस्टेंस ऑफ द डिस्क फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ये जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जेड हो गया, इट इज जस्ट लाइक द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे भी पूरी डिस्क जो है वो एक पॉइंट जो उस डिस्क से काफ़ी दूर है उसके लिए ऐसी एक्ट करेगी जैसे वो एक पॉइंट चार्ज हो। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।